हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले पहले T20 मुकाबले की, जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। हमेशा की तरह आपको एक विनिंग टीम प्रोवाइड करेंगे, प्लेयर के स्टैट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्लेयर्स ने तो सेंचुरीज भी रिसेंटली लगाए हुए हैं, कुछ श्रीलंका के प्लेयर हैं जो हमेशा इंडिया के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक्स बहुत अच्छी तैयार होने वाली है। बस आपका काम है वीडियो को अगले 10-15 मिनट तक बहुत फोकस के साथ देखिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। हो सके तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा अगर कहीं पे डाउट हो। हालांकि रिवाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत आसान भाषा में मैं चीजों को समझाऊंगा। तो ये है पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला, INDVSSL ड्रीम 11 टीम, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। 3 जनवरी 2023 को खेला जाएगा 7 PM इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा और मैच में क्या क्या देखने को मिलेगा सब आपको बताऊंगा। पिच रिपोर्ट से लेके लाइनअप तक और टीम अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ेंगे, सबसे आसान तरीका तो है, सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए और सर्च करिए चैनल्स में @ लगा के फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल। और अगर नहीं हो पा रहा तो सबसे आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मेरा कमेंट है जिसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगे, पिच कैसी बिहेव करेगी, रीसेंट कंडीशन क्या है और किन प्लेयर्स को आपको पिक करना है, आज कौन से प्लेयर ड्रीम टीम में रहेंगे, हर एक चीज आपको बताऊंगा। अगर बात करें वानखेड़े स्टेडियम की तो देखो वेदर सही है, मैच पूरा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी ठंडक रहेगी प्लेयर्स के लिए और बेटर है। अगर हम बात करें इस वेन्यू की तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू ये माना जाता है और पेसर्स को बहुत एडवांटेज देता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप मैचेस देखें तो ज्यादा नहीं हुए, बट अगर आप एवरेज स्कोरिंग देखें उन मैचेस की तो 195, ये देखो फर्स्ट बैट का एवरेज 195 होता है। सिर्फ 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए और ये 8वां है। 2 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते और 5 बैटिंग सेकेंड टीम ने। ध्यान देने वाली बात है कि चेजिंग टीम यानी कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा मैचेस को विन करती है। यहां पे चेजिंग इजी होती है बट स्कोरिंग कितनी भी हो सकती है, हो सकता 190 बना दे एक टीम और उसको दूसरी टीम चेज कर दे। तो ये इस टाइप का वेन्यू है, बिल्कुल भी हल्की में चेजिंग टीम को मत लेना, चेजिंग टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो भी टीम टॉस को विन करेगी मेरे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट करना चाहिए ताकि सेकंड बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग के रिजल्ट आपके सामने है। 195 की एवरेज स्कोरिंग है, हाईएस्ट टोटल इंडिया का 240 है, यहां पे 7 मैचेस में 240 का टोटल, समझ रहे हो, और लोएस्ट श्रीलंका का 135 है और ये हाईएस्ट टोटल लोएस्ट टोटल वाली टीम आज खेलने वाली है। इसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न देख लो, 190 के ऊपर 4 बार बना है, 7 मैचेस में से 4 बार 190 के ऊपर बना है। तो बहुत हद तक चांस है अगर इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करी तो 190 क्रॉस करेगा ही करेगा। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ईशान किशन, ये सारे के सारे प्लेयर 40-50 से कम स्कोर नहीं करने वाले, ध्यान रखिएगा, बहुत ही हाईली बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है। अब आखिरी 4 मैचेस भी देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल के जो लास्ट 4 मैचेस हुए 2019, 2017, 2016, उनमें क्या हुआ ये देखो, स्कोरिंग देखो, लास्ट मैच में ही इंडिया ने 240 बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में। उसके पहले 2017 में इंडिया श्रीलंका हो चुका है, श्रीलंका ने 135 बनाया था, इंडिया ने आसानी से उसको चेस कर लिया था, 5 विकेट से जीते थे, ठीक है। स्पिन पेस का रेशियो देखो, स्पिनर्स को विकेट मिलते ही नहीं है, पेसर जहां 9 विकेट लेके गए हैं स्पिनर को 2 मिले हैं, पेसर जहां पे 9 विकेट लेके गए हैं स्पिनर को 2 मिले हैं, यहां पे देख लो पेसर यहां पे 4 विकेट लेके गए स्पिनर को 1 मिला है, पेसर 10 विकेट लेके गए तो स्पिनर को 4 मिले हैं। इन टोटल बैटिंग के लिए बहुत अच्छा वेन्यू है और स्पिन वर्सेस पेस में पेसर्स के लिए बहुत अच्छा है। 32 विकेट लास्ट 4 मैचेस में पेसर्स ने निकाले हैं और सिर्फ 9 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, यानी स्पिनर्स से 3 गुने से भी ज्यादा, समझ रहे हो, विकेट पेसर्स लेके जा रहे हैं तेज गेंदबाज, ठीक है। अब देखो हेड टू हेड में क्या चल रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 25 मुकाबले हुए, 17 इंडिया ने जीते, 8 श्रीलंका ने जीते, ठीक है। तो श्रीलंका का रिकॉर्ड इंडिया के सामने थोड़ा सा डाउन है। अब आखिरी 5 मैचेस देखो, उसमें इंडिया ने 3 जीते हैं और श्रीलंका ने 2 जीते, ऐसा नहीं श्रीलंका जीती नहीं है, श्रीलंका भी जीती है बट थोड़े से कम विनिंग चांसेस श्रीलंका के होते हैं क्योंकि उनकी टीम जो है अभी इन द मेकिंग है। हालांकि इंडियन टीम भी पूरी नई है, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना केएल राहुल है, एकदम न्यू टैलेंटेड प्लेयर्स रहने वाले, हालांकि वो भी बहुत टैलेंटेड है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे आपको पता है उन्होंने क्या क्या कर रखा है। ये देखो इस वेन्यू पे इंडिया श्रीलंका का सिर्फ 1 मैच हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था ना, जिसमें इंडिया ने चेस कर लिया था श्रीलंका का, कुछ 135 का टोटल था जो भी था उसको चेस किया था इंडिया ने। इंडिया ने वैसे यहां पे 4 मैचेस खेले हैं, 7 में से 4 मैच तो इंडिया ही खेली है, 2 जीती 2 हारी है, ठीक है। यहां पे देखो श्रीलंका ने यहां पे 1 ही मैच खेला जो इंडिया से खेला था वानखेड़े में और वो ये हारे थे। तो वेन्यू पे रिकॉर्ड जो है वो
अच्छा है इंडिया का, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट कंपेरेटिवली जो टीम खेलने वाली है उसके मुकाबले तो ज्यादा बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वीडियो का, इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना बल्कि रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा आखिरी चार मैचेस जो खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के, जो कि 2022 में ही खेले गए, एक साल भी नहीं हुआ चार मैचेस को, इनमें किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी थी, तभी तो आप ले पाएंगे ना अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर, जब आपको पता पड़ेगा परफॉर्मेंस दी किसने इस साल, एक साल के अंदर किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी। तो देखो फटाफट जल्दी से बात करते हैं, आखिरी मैच जो हमारे बीच में हुआ था जिसको श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत लिया था, तो ऐसा नहीं है श्रीलंका जीत नहीं सकती, श्रीलंका भी जीत सकती है। कौन से प्लेयर जिता सकते हैं? कुशाल मेंडेस 57 लगाया था लास्ट टाइम, पाथुम निशांका 52 लगाया था लास्ट टाइम, दासुन मधुशांका ने 3 विकेट निकाले थे और चमिका गुणवंत ने 2 विकेट निकाले थे, तो ये मैच विनर्स थे लास्ट मैच में इनकी टीम के, अगर ये चल गए तो वापस से वैसे कुछ हो सकता है। चहल 3 विकेट लेके गए थे, सूर्या ने 34 रन बनाए थे, हम हार गए थे ये वाला मैच, ठीक है। अब एक और मैच आता है 27 फरवरी 2022 का जो इंडिया ने जीता था 6 विकेट से, किसने जिताया? श्रेयस अय्यर 73 नॉट आउट, मेनली यही प्लेयर था इंपॉर्टेंट जिसने परफॉर्म किया था। दासुन चनाका के 74 नॉट आउट थे। देखो दासुन चनाका जो है ना ये इंडिया के सामने बहुत अच्छा खेलता है, आप इसको मोस्ट ऑफ द मैच में देखोगे ना नॉट आउट भी जा रहा है बंदा और स्कोरिंग भी कर रहा है मोस्ट ऑफ द मैच में, दासुन चनाका ध्यान रखना। दिनेश चंदीमल के 22 रन थे, लहिरू कुमारा के 2 विकेट थे, ये डेथ बॉलर है, मेन डेथ बॉलर है श्रीलंकन टीम का लहिरू कुमारा। फिर यहां पे आ जाओ, श्रेयस अय्यर ने अगेन रन्स बनाए, देखो अय्यर भी रन्स बनाता है, संजू सैमसन ने 39, चहल ने 1 विकेट लिया, पाथुम निशांका ने 75 बना दिए, यहां पे बनाए थे 52, यहां पे बना दिए 75, यानी ये प्लेयर भी इंडियन बॉलिंग को खेल रहा है अच्छा। लहिरू कुमारा को अगेन 2 विकेट मिल गए, तो लहिरू कुमारा भी देखो हमेशा परफॉर्म करता है इंडिया के सामने, फर्स्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल ले लेना टीम में, अच्छा बॉलर है। ईशान किशन 89, अभी इन्होंने ओडीआई में 200+ क्रॉस क्रॉस किया था, फॉर्म बहुत अच्छी है और श्रीलंका के सामने पहले स्कोरिंग करी हुई है, 89 स्कोर किया था। अय्यर 57 नॉट आउट, हमेशा ही अय्यर तो परफॉर्म करता ही है, भुवनेश्वर को 2 विकेट मिले थे, असलंका की 53 नॉट आउट थे, चमिका करुणा देखे 21 रन थे, लहिरू कुमारा के अगेन 1 विकेट थे। ये लहिरू कुमारा भी देखो हर बार बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है जब भी इंडिया के सामने खेल रहा है, और इंडियन टीम से श्रेयस अय्यर लगभग मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छा करके जा रहे हैं, और बाकी कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है जो अच्छा करते हैं, जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली ये सब है नहीं, वरना इनके भी रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं और इसलिए वो मिसिंग भी लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एक बार ऐसा करो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपके काम आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और मैच से पहले थोड़ा सा देख लेना, कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, दासुन चनाका वगैरह हो गए, ये ग्रैंड लीग में आपके काम आ सकते हैं, लहिरू कुमारा हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैच विनिंग प्रेडिक्शन, चांसेस तो देखो इंडियन टीम के ही ज्यादा हैं क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या है, अभी ईशान किशन है जिन्होंने मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था ओडीआई का, शुभमन गिल डेब्यू करेंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं आपको पता है, सूर्या हार्दिक हो गए, बॉलर्स में इनके पास अर्शदीप हैं, हर्षल हैं, इंडियन टीम बहुत सॉलिड है ऑन पेपर, तो मेरे हिसाब से विनिंग चांसेस इनके हैं, बट ऐसा नहीं है इनके नहीं है क्योंकि आखिरी 5 मैचेस में 2 तो इन्होंने भी जीते ना, 3 इन्होंने जीते तो 2 इन्होंने जीते हैं, यानी 30-20, 60-40 का बनता है विनिंग रिकॉर्ड, 60% चांस इनके हैं और 40% इनके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैच विनिंग प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं इंडियन टीम की क्या है, इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल डेब्यू करेंगे, ईशान किशन के साथ ओपन करना चाहिए, ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही मुझे और लगता है अच्छा स्कोर करके जाएंगे। नंबर 3 पे सूर्या रहेंगे, नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या है, फिर दीपक हुडा संजू सैमसन को स्पॉट मिलेगा, फिर अक्षर पटेल इनके पास, टीम चाहे तो सुंदर को वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकती है यहां पे स्पिन कैटेगरी में, हर्षल और अर्शदीप इनके मेन डेथ बॉलर रहेंगे, 4-4 ओवर पूरे करने चाहिए, उमरान को भी 4 ओवर पूरे करने चाहिए और चहल ये भी 4 ओवर पूरे करने चाहिए, ये 4 प्लेयर तो 4 ओवर पूरे करेंगे, इसके बाद अक्षर पटेल दीपक हुडा हार्दिक पांड्या इनमें ओवर्स डिवाइड होंगे, अगर हार्दिक पांड्या ने लीड किया तो फिर 3-4 ओवर ये पूरे भी कर सकते हैं, हो सकता है दीपक हुडा को मौका ही ना मिले बॉलिंग करने का और यहां से 1 ओवर उमरान का काट लें और 1-2 ओवर और अक्षर या सुंदर की काट लें, तो लगभग हार्दिक पांड्या से 2-3 ओवर की एक्सपेक्टेशन तो आप कर ही सकते हैं, 4 ओवर की नहीं क्योंकि मेन बॉलर्स काफी हैं टीम के पास, ठीक है। सूर्या बहुत अच्छे फॉर्म में, हार्दिक अच्छे फॉर्म में, ईशान और शुभमन गिल सारे अच्छे फॉर्म में, टॉप 4 प्लेयर तो आपको टीम में लेने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्लेयर का स्टैट बताऊंगा T20 में क्या क्या स्टैट है, सबसे पहले हम बात करते हैं शुभमन गिल की, आखिरी 5 मैचेस देखो इनके T20 फॉर्मेट में इन्होंने जो भी मैचेस खेले लास्टली अदर T20 उसमें फॉर्म बहुत अच्छी देखी गई 20 ओवर फॉर्मेट में, तो ये मुझे लगता है डेब्यू मैच में बहुत अच्छा करेंगे, श्रीलंका के सामने पहली बार खेलने वाले हैं और इस वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है T20 में। ईशान किशन लेफ्टी बैट्समैन,
रिसेंटली T20 का फॉर्म आपको थोड़ा सा एवरेज दिखेगा, बट अभी ये प्लेयर 200 का रिकॉर्ड बना के आया है ODIs में, फॉर्म बहुत गजब की है और विकेट कीपिंग करेगा तो उसके भी तो पॉइंट देगा। यहाँ पे देखो ये है अपोजिशन टीम के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस, यानी श्रीलंका के सामने आखिरी 3 मैचेस जो ईशान किशन ने खेले, इस वेन्यू पे नहीं खेले। सूर्य कुमार यादव, ये तो आपको पता ही है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, अभी आखिरी 5 मैच में ही आपको 100 और 150 दिख जाएगा। अपोजिशन टीम के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में 34 और 50 का स्कोर किया हुआ है। इस वेन्यू पे T20 में पहली बार खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, बट अच्छे प्लेयर हैं और बल्कि कप्तानी वाइस कप्तानी के दमदार पिक होंगे। हार्दिक पांड्या बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, अभी रिसेंट टाइम पे बॉलिंग भी करने लगे हैं, पर ये नहीं पता कितनी बॉलिंग करेंगे, हो सकता है 2 ओवर करें, हो सकता है 3 ओवर करें, हो सकता है 4 भी कर जाए, 4 की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि बोलर्स टीम के पास अच्छे खासे हैं। मेरे हिसाब से इनको कम से कम 2 ओवर तो करने चाहिए, ठीक है। ये इनके अपोजिशन टीम के खिलाफ बैटिंग बॉलिंग रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे नहीं है, बट इन मैचेस में अच्छे ऑप्शन होते कप्तानी का रिकॉर्ड है वेन्यू पे वो भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, एक बार विकेट निकाली है, रन्स नहीं बनाए हुए, बट है प्लेयर मैच विनर तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। दीपक हुडा की रिसेंटली बैटिंग इनिंग्स बहुत खराब रही हैं, और अगर हम बात करें बॉलिंग इनिंग्स की तो वो भी कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड भी कुछ खास नहीं है दीपक हुडा का, और इस वेन्यू पे कभी खेले नहीं है। लास्ट कुछ मैचेस में दीपक हुडा से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ज्यादा बॉलिंग करवाई गई थी, डेथ ओवर्स के विकेट वगैरह मिल गए थे ये जो आप देख रहे होंगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो ये एवरेज पिक होंगे। बाकी ये टॉप 4 आपको लेने ही चाहिए, टॉप 4 आप लेकर ही चलिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे संजू सैमसन, अक्षर पटेल। संजू सैमसन के सामने वनिधु हथरंगा की स्पिन जो है वो थोड़ी सी इनके लिए स्ट्रगलिंग होती है, हालांकि बैटिंग वेन्यूज पे संजू बहुत अच्छा करते हैं, बट दिक्कत इनके साथ यही रहेगी कि जैसे ही संजू सैमसन आएंगे उनका प्लेयर बैटल वनिधु हथरंगा से बहुत अच्छा है, जिसके चलते वनिधु हथरंगा को उनके सामने रखा जाएगा और मे बी चांस है कि संजू अपना विकेट दे सकते हैं उनको, उनके सामने नहीं खेल पाते। संजू की रिसेंट परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, 8-8 देख लीजिए, और इस वेन्यू पर रिकॉर्ड। अक्षर पटेल रिसेंटली बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज है, बैटिंग उतनी आती ही नहीं है, तो एक एवरेज पिक होंगे, वैसे भी स्पिन को ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज है नहीं। अपोजिशन टीम के खिलाफ एक बार विकेटलेस गए हैं, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर्षल पटेल रिसेंटली ठीक फॉर्म में, बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, डेथ ओवर के बॉलर हैं अर्शदीप और हर्षल जो है डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको कवर करना चाहिए। अपोजिशन टीम के खिलाफ हर्षल ने खेला हुआ है, एक बार अर्शदीप ने भी खेला बट विकेटलेस गए। उमरान मलिक का देख लीजिए, रिसेंटली फॉर्म इनकी भी ठीक ठाक है, अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, बहुत तेज बॉल करते हैं और अपनी स्पीड से बैट्समैन को परेशान करते हैं, श्रीलंका को भी फेस नहीं करा, पहली बार फेस करेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल, रिसेंटली इनके परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं और श्रीलंका को काफ़ी खेला हुआ है, रिकॉर्ड अच्छे हैं, वेन्यू से उतनी सपोर्ट नहीं रहेगी, बट अगर कहीं इंडिया ने अच्छा स्कोर बना दिया तो सेकेंड बॉलिंग के केस में चहल आपको बंचेस में विकेट लेते हुए दिख जाएंगे। कैसे लेंगे, इनका ज़्यादा होगा रन होगा, इंडियन टीम का ज़्यादा होगा 190-200 अगर रन बना दिए तो श्रीलंकन बैटर्स हिट करने की कोशिश करेंगे और हिट करने की कोशिश में चहल जो है वो आराम से विकेट लेके जा सकते हैं। आगे कुछ एक्स्ट्रा में प्लेयर्स हैं, जैसे कि सुंदर हैं, त्रिपाठी हैं, शिवम, मुकेश और ऋतुराज गायकवाड़ है, तो इनके भी रिसेंटली स्टैट वगैरह देख लो, गायकवाड़ का रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा था डोमेस्टिक्स वगैरह में, तो शायद टीम मौका इनको भी दे सकती है, हो सकता शुभमन गिल को ना खिला के इनको खिला लिया जाए, बट चांसेस शुभमन गिल के ज़्यादा हैं, बाकी स्टैट आपके सामने सारे प्लेयर्स के देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं उनका श्रीलंका के सामने क्या रिकॉर्ड है, जैसे कि ईशान किशन ने 3 मैचेस खेले, 125 रन्स बनाए, 62 की बैटिंग एवरेज है इस प्लेयर की, यानी बहुत सॉलिड ऑप्शन है कप्तानी वाइस कप्तानी का और चांसेस ज़्यादा है कि परफॉर्म करेगा क्योंकि बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी है, और अगर आप नॉर्मल एवरेज भी देखें ना इसकी तो लगभग कितनी निकलेगी, 41-42 के आसपास की नॉर्मल एवरेज निकलेगी ईशान किशन की, और बैटिंग एवरेज 62 है। सूर्य कुमार यादव ने 2 मैच में 84 रन बनाए हैं, तो इनकी बैटिंग एवरेज 42 हो जाती है श्रीलंका के सामने। हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के सामने 7 मुकाबले खेले, 72 रन है बट 9 विकेट निकाली, विकेट अच्छी खासी निकाली, रन कम है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ 2 मैच में 35 रन है अपोजिशन टीम के खिलाफ, और दीपक हुडा के 2 मैच में 24 रन है अपोजिशन के खिलाफ, यानी ये लोग श्रीलंका टीम को उतना अच्छा पहले नहीं खेले। आगे हम बात करते हैं संजू सैमसन की, 6 मैच में सिर्फ 97 रन है, सिर्फ 16 का बैटिंग एवरेज है, श्रीलंका के सामने संजू सैमसन नहीं चल पाते, रीजन बीइंग वनिधु हथरंगा, ठीक है। हर्षल पटेल 3 मैच में 2 विकेट हैं श्रीलंका के सामने, चहल की 10 मैच में 20 विकेट हैं, 2 विकेट पर मैच की परफॉर्मेंस चलती है चहल की अगेंस्ट श्रीलंकन टीम, तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, 15 की बॉलिंग एवरेज है, हर 15 रन देने के बाद विकेट लेते हैं। सुंदर ने 5 मैच में अभी तक 8 विकेट श्रीलंका के निकाले हुए, तो 17 की इनकी बॉलिंग एवरेज बनती है, तो ये सब चीज़ें हैं इनको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी टीम बनाने में मदद मिलेगी। अब श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, क्या प्लेइंग 11 के साथ टीम जाएगी,
कुशाल मेंडिस, पाथुम निशांका, ये टीम के लिए ओपन करने चाहिए। नंबर तीन पे धनंजय डिसिल्वा, चार पे राजपक्षा, पांच पे असलंका। या फिर टीम क्या कर सकती है, धनंजय को पांच पे कर सकती है, असलंका को तीन पे खिला सकती है। ये थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर जो है ये शिफ्ट हो सकता है। ये तीन बैटिंग पोजिशन का क्लियर नहीं है, बट चांस धनंजय के मुझे ज्यादा लग रहे हैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के। फिर आएंगे दासुन सनाका, जो इंडियन बॉलिंग को अच्छे खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वनिधु हसरंगा, जो संजू को परेशान करेंगे और इस टीम के बेस्ट स्पिन बॉलर है, डेथ ओवर्स में भी टीम इनका यूज करती है। चमिका गुरुनाथ ने, इनका कभी कभी डेथ ओवर्स में यूज हो जाता है, कभी कभी ओवर्स भी डिडक्ट होते हैं, रन्स बना सकते हैं। महेश तीक्ष्णा, एक बहुत क्वालिटी स्पिनर इस टीम के पास। दिलशान मधुशांका, लास्ट टाइम तीन विकेट निकाले थे इंडिया के सामने। लहिरू कुमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के सामने चलता है। तो इनकी भी प्लेइंग 11 अच्छी है, हालांकि विनिंग के चांस इनके 40% है, इंडिया की 60% है, लॉजिकल बेसिस पे, आखिरी पांच मैच में जो खेला हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर हो जाते हैं दिलशान मधुशांका, जो टीम खिला सकती है इनको। आगे चलते हैं, एक एक प्लेयर का स्टैट देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। कुशाल मेंडिस, विकेट कीपर बेटर है, रिसेंटली फॉर्म T20 में देखें तो आखिरी पांच मुकाबलों में दो बार 50 प्लस की स्कोरिंग है, और अपोजिशन टीम इंडिया के सामने लास्ट तीन मैचेस में दो बार 50 प्लस की स्कोरिंग है, और इस वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओवरऑल ये प्लेयर बहुत अच्छा है पिक करने के लिए, एक तो विकेट कीपर बेटर है उसके पॉइंट देगा, और ये बहुत क्वालिटी एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडिया के सामने अच्छा खेला है, तो लेना चाहिए आपको। पाथुम निशांका, रिसेंटली आखिरी पांच मैच में इनके तीन बार स्कोर जो है वो 25 क्रॉस करे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फॉर्म में अभी नहीं दिख रहे, बट इंडिया के सामने रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, आखिरी तीन मैचेस में 250 प्लस स्कोर इनके भी हैं, तो ये भी कम नहीं है, दोनों के दोनों प्लेयर आपको टीम में लेने ही चाहिए। अब आते हैं धनंजय डिसिल्वा, जो थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखो इनकी अपोजिशन टीम इंडिया के सामने रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है, बट किसी भी टाइम देखो एक आध विकेट ले गए, कुछ रन बना दिए, तो फिर एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते, टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, छोड़ नहीं सकते, एक्सपीरियंस प्लेयर है। फिर आते हैं भानुकर राजपक्षा और चरित असलंका, इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है, अगर इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें तो यहाँ पे भानुका की परफॉर्मेंस तो देखो एज अ फिनिशर खेलते हैं, लगभग 5-6 पे कभी कभी टीम इनको खिला देती है, तो स्कोर ज्यादा नहीं बन पाता। असलंका कभी कभी 3 पे भी खेलते हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो लाइनअप देख लीजिएगा एक बार जैसा लाइनअप होगा, हालांकि दोनों के रिकॉर्ड इंडिया के सामने बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि अच्छे हैं ही नहीं, यहाँ पे रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कुशाल मेंडिस और पाथुम निशांका के दिख रहे हैं इंडिया के सामने अच्छे, फिर थोड़े से बेटर धनंजय के हैं और राजपक्षा और असलंका के तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात टॉप 5 प्लेयर के श्रीलंकन टीम के। इसके बाद कौन कौन प्लेयर हैं, दासुन सनाका, हाँ ये एक और प्लेयर है ना जो आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेता है, एक तो बॉलिंग का कोई फिक्स नहीं रहता, कभी एक ओवर करेगा, कभी दो करेगा, कभी एक भी नहीं करेगा, दिक्कत है इसके साथ। बैटिंग बहुत शानदार करता है, रिसेंटली फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट इंडिया के सामने देखो आखिरी तीन मैचेस में 174, 147, 133 सबसे बढ़िया बैटर्स में से एक है, जब जब इंडिया को फेस करता है, एक बार दो विकेट निकाले, एक बार शून्य विकेट, एक बार बॉलिंग नहीं करी, और इस वेन्यू पे जब लास्ट खेले थे 29 रन और दो विकेट निकाले थे, तो इस वेन्यू का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस दासुन सनाका के पास है, कप्तान भी है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और थोड़ा रिस्क ले सके तो स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, खास करके इंडियन टीम के सामने। वनिधु हसरंगा, रिसेंटली फॉर्म थोड़ी सी एवरेज दिख रही है, बट कभी कभी अच्छे खासे रन बना देते हैं, और बॉलिंग तो इनका मेन हथियार है ही। इंडिया के सामने आखिरी तीन मैचेस में टोटल 5 विकेट इनके पास हैं, और कुछ 10-15 रन की इनिंग वगैरह खेल जाते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक होते हैं हमेशा लेने के लिए, इवन कभी कभी कप्तानी वाइस कप्तानी के भी अच्छे पिक होते हैं, वेन्यू पे कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं चमिका गुरुनाथ ने, इनके देखिए 1-2 ओवर 3 ओवर होंगे, 4 ओवर तो नहीं मुझे लगता इनसे टीम कराएगी, बट हाँ कम से कम 2 ओवर तो कराने चाहिए, और ये बैटिंग में बैकअप दे जाते हैं कभी कभी, एवरेज पिक रहेंगे। ठीक है, ये देखो बॉलिंग रिकॉर्ड इंडिया के सामने और बैटिंग रिकॉर्ड इंडिया के सामने, इस वेन्यू पे कोई इनका स्टैट नहीं है। फिर आते हैं महेश तीक्ष्णा, मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल रहते हैं, बहुत कम रन देते हैं, बहुत रन कम खर्चते हैं, सबसे बड़ी बात टीम इनका कभी कभी डेथ ओवर्स में अच्छा खासा यूज कर लेती है, तो उसके इनको विकेट वगैरह मिल जाते हैं। अपोजिशन टीम के खिलाफ एक विकेट लिया है लास्ट जब खेले थे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिलशान मधुशांका, ये आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा पिक हो सकता है, रिसेंटली आखिरी दो मैचेस में विकेटें भी मिली हैं, और इंडिया के सामने लास्ट टाइम 3 विकेट भी निकाली थी इस प्लेयर ने, इसी की वजह से मैच टीम जीत गई थी श्रीलंका की, और इसके अलावा कुशाल मेंडिस वगैरह ने भी परफॉर्मेंस दी थी, तो ओवरऑल कुछ 4-6 प्लेयर्स ने लास्ट मैच इनको जिता दिया था, तो हो सकता है फिर से ऐसा हो जाए। लहिरू कुमार इनके मेन डेथ बॉलर है, जो डेथ के लगभग 2 ओवर कन्फर्म ही करने वाले हैं, यानी 4 ओवर तो पूरे करेंगे और डेथ में 2 ओवर इनके रहेंगे। अब ये देखो मधुशांका के साथ भी डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं, या फिर श्रीलंकन टीम कभी भी कुछ भी करती है, कभी महेश तीक्ष्णा और वनिधु हसरंगा भी डेथ ओवर्स में दिख जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे, स्पिन बॉलर हैं, बट टीम कराती है इनसे डेथ में बॉलिंग। रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छे हैं लहिरू कुमारा के, अपोजिशन टीम इंडिया के सामने भी अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, यहां से लहिरू कुमारा एक अच्छे पिक होंगे, वनिधु हसरंगा और सनाका ग्रैंड लीग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम आएंगे।
कुछ एक्स्ट्रा में भी प्लेयर थे उनकी भी स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए मैंने, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अगर बाय चांस कोई खेल जाता है तो आप स्टेट देख लीजिएगा। अब एक एक श्रीलंका के प्लेयर का स्टेट देखेंगे इंडिया के सामने, ये लोग कैसा खेलते हैं, ओवरऑल कैसा खेलते हैं, आपको इससे बिग पिक्चर समझ में आएगी। जैसे कुशाल मेंडिस ने 3 मैच खेले इंडिया के सामने, 123 रन है T20 इंटरनेशनल में, 41 की बैटिंग एवरेज बनाई हुई है, तो अच्छी बैटिंग एवरेज है, लेना चाहिए। पाथुम निशांक का 4 मैच खेले मेंडिस से एक ज्यादा, 128 रन बनाए हैं और 32 की बैटिंग एवरेज है, ये प्लेयर भी आपको लेना चाहिए। डिसिल्वा 5 मैच खेले 146 रन है और 48 की बैटिंग एवरेज बनती है, नॉर्मल अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 30 के आसपास की मिलेगी, बट बैटिंग एवरेज 48 के आसपास की है। बैटिंग एवरेज कैसे बढ़ता है प्लेयर का, जब वो नॉट आउट ज्यादा जाता है, ठीक है, तो एक बार आउट होने के लिए ये 48 रन लेता है इंडिया के सामने, ठीक है, ये चीज है। अब भानुका राजपक्षा का देखो, 2 मैच में सिर्फ 34 रन है, असलंका के 5 मैच में सिर्फ 103 रन है, 25 की एवरेज है, तो ये दो प्लेयर उतने अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, ये 3 बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, खास करके मेंडेस को, मेंडेस का अच्छा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है 40 का एवरेज। आगे चलते हैं कुछ और प्लेयर्स के बारे में देखते हैं। शना का, जिसको बहुत से लोग शायद नहीं लेंगे, इसका 25 का एवरेज है, मतलब एवरेज थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट रिसेंटली अच्छा खेला इंडिया के सामने, ठीक है, 16 का बॉलिंग एवरेज है। ये देखो वनी दोसरंगा, 6 मैच में 10 विकेट निकाली इंडिया के सामने और 45 रन बनाए, परफॉर्मेंस एवरेज से थोड़ा सा अच्छा है, बट किसी भी दिन ये मैच विनर बन जाता है टीम के लिए, ठीक है। ये 16 की बॉलिंग एवरेज है, 15 की बैटिंग एवरेज है। तीक्ष्णा 1 मैच खेला 1 विकेट निकाला, मधुशांका 1 मैच खेला 3 विकेट निकाला, लहिरू कुमार ने 5 मैच खेले इंडिया के सामने 7 विकेट निकाले, तो ये इनके कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स है। अब देख लो कुछ की बैटल्स वगैरह जो आपको देखने चाहिए वो देख लीजिएगा, संजू सैमसन वाला मैंने नहीं लिखा, वो सबको पता है, संजू सैमसन वर्सेज वनिधु हसरंगा चलता है, वनिधु हसरंगा ज्यादातर चलते हैं, संजू फ्लॉप होते हैं तो वनिधु बेटर करते हैं संजू के सामने, ठीक है। बाकी प्लेयर्स का देख लो, टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, खास करके ईशान किशन, सूर्या और हार्दिक, जो लोगों की कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, इनके स्टैट देखो। एक बार हसरंगा ने सूर्या का विकेट लिया हुआ है, बट सूर्या ने उनको अच्छा खेला है, करुणत ने अभी तक इनका विकेट ले नहीं पाए, हार्दिक पांड्या का हसरंगा ने अभी तक विकेट नहीं लिया T20 इंटरनेशनल में, करुणत ने ज्यादा बॉलिंग हार्दिक पांड्या को नहीं करी है। बाकी एक बार लहिरू कुमार ईशान का विकेट ले जा चुके हैं, बट रन भी अच्छे बनाए ईशान ने। इसके बाद कुछ बैटर्स हैं जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जैसे निशांक और कुशाल मेंडिस जो हमेशा अच्छा करते हैं इंडिया के सामने, इनके भी रिकॉर्ड देख लो। चहल 2 बार विकेट ले जा चुके हैं कुशाल मेंडिस की, अर्शदीप अभी तक नहीं ले जा पाए, निशांका की एक बार चहल ने निकाली विकेट, बट चहल के सामने रन्स बनाए उन्होंने, और चहल ने एक बार राजपक्षा की विकेट निकाली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जल्दी से टीम देख लो, टीम में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है, ले ही लीजिएगा। कुशाल मेंडिस 40 की एवरेज इंडिया के सामने, सबसे बढ़िया एवरेजेस में से एक है। सूर्य कुमार यादव मेरे वाइस कप्तान रहेंगे, आप चाहें तो कप्तान भी कर सकते हैं, कप्तानी मैंने हार्दिक को दी है, पता नहीं 2-3 ओवर 4 ओवर भी कर जाएं, विकेट वगैरह ले लेते हैं और फिर रन्स भी बना देते हैं, तो थोड़ा सेफ हो जाता है। शुभमन गिल मेरी टीम में जरूर आएंगे, रिसेंटली T20 में अच्छा करा है। निशांक का, कुशाल मेंडिस कुछ ऐसे बैटर्स हैं जो हमेशा इंडिया के सामने अच्छा खेलते हैं, 3 में से 2 मैच गजब के इनके गए हैं, तो 66% चांस है कि ये लोग इस मैच में 35-40 आराम से लगा सकते हैं, 66% चांस है, क्योंकि आखिरी 3 में से 2 मैच में चले 50-50 बनाए हैं, वो भी इंडियन टीम के सामने, तो ये 2 प्लेयर्स को मैं लूंगा। वनिधु हसरंगा कभी भी मैच विनर बन सकता है, धनंजय डिसिल्वा 3-4-5 पे कहीं भी बैटिंग कर सकता है, प्लस बॉलिंग ऑप्शन देता है, आप चाहें तो दासुन शनका को भी ले सकते हैं, वो भी बॉलिंग ऑप्शन देते हैं और वो इंडिया को ज्यादा बेटर खेलते हैं, ठीक है, बताना मेरा काम है। अर्शदीप को लिया, चहल को लिया, हरचल को लिया। एक और बहुत अच्छा पिक है आपके पास, उमरान मलिक, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है और अपनी स्पीड से परेशान करेगा श्रीलंकन बैटर्स को भी, ठीक है। तो ये मेरी टीम रहने वाली है और इसमें आप मैक्सिमम देख सकते हैं इंडिया के ही प्लेयर्स हैं, कप्तानी वाइस कप्तानी हार्दिक को सूर्या को दिए, आप अपोजिट कर सकते हैं या फिर ईशान किशन को भी दे सकते हैं कप्तानी वाइस कप्तानी, या शुभमन गिल को भी दे सकते हैं, लोग भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर देखो सेकंड बॉलिंग इंडियन टीम की होगी तो भले ही स्पिन को मदद नहीं है, बट इंडिया इतना स्कोर कर देगी कि चहल आराम से 2-3 विकेट ले जा पाएंगे, प्रेशर में ले लेंगे विकेट, ये ध्यान रखना ग्रैंड लीग्स में। और फर्स्ट बॉलिंग इंडिया की होगी तो अर्शदीप किसी भी दिन एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकते हैं, एक तो मेन डेथ बॉलर है, ऊपर से बहुत विकेट टेकिंग अप्रोच है इसकी, लगभग 2-3 विकेट मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो ये है मेरी टीम MyFab11 एप्लीकेशन पे, काफी अच्छी एप्लीकेशन है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए, रेफर कोड FX लगाइए ताकि बोनस फ्री एंट्री गिव अवे आपको मिले और खेलना शुरू करिए, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, फाइनल टीम का अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।